मुख्यमंत्री है कि इतने समय से आप जो है जेल के अंदर हैं और उसके बाद भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? आपको ऐसा कौन सा कुर्सी का लालच है कि आप जो है इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? आप अपने पार्टी में किसी को बना दीजिए। बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बीजेपी मुझे बता दो एक बीजेपी के भ्रष्टाचार का कोई काम। सबसे पहले केजरीवाल दिल्ली में आया, पहली बार आ रहा है, पहली बार जाएगा है, उसने सबसे पहली बार है उसने दारू का काम किया। पूरे दुनिया में अगर किसी बंदे के लिए जेल जाने पर चिंता जताया तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जताया, इसीलिए हमारे केजरीवाल को दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ मेघा भाटिया। लगातार किस्सा कुर्सी के जरिए मैं आपको पब्लिक की पॉइंट ऑफ व्यू सुनाती हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ दिल्ली के ITO पर, जहाँ पर आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आज प्रदर्शन पे थे। देखिए, प्रदर्शन उन्होंने यहाँ ITO पे किया, यहाँ प्रदर्शन हुआ, ठीक है, और यहाँ के आज जनता से जानूंगी कि वो प्रदर्शन पे क्यों है, उनकी क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या क्या आगे हुआ उनसे वो भी जानूंगी। आइए चले सीधा जनता से ही जानते हैं कि वो प्रदर्शन पर आज क्यों बैठे हैं। आप लोग आप यहाँ पे धरना दे रखे हैं किस चीज़ के? ये धरना अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर प्रचंड प्रदर्शन किया गया अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर। क्या लग रहा है, देंगे ऐसे प्रदर्शन करने से या नहीं? जब तक अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है और अरविंद केजरीवाल को बाध्य करेगी वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें। आप क्या कहेंगे सर? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना बेशरम मुख्यमंत्री है कि इतने समय से आप जो है जेल के अंदर हैं और उसके बाद भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? आपको ऐसा कौन सा कुर्सी का लालच है कि आप जो है इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? आप अपने पार्टी में किसी को बना दीजिए। क्या आपके पास कोई पार्टी में कोई ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके? आप जेल से सरकार चलाएंगे? और भी लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और भी मुख्यमंत्री जेल गए हैं, ऐसा नहीं कि आप पहली बार गए हैं, तो लोगों ने जेल जाने से पहले जो है इस्तीफा दे दिया है। आप मतलब जेल से सरकार चलाए? उनके हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें फंसाने की कोशिश, तो इसका मतलब उनके हिसाब से फिर संजय सिंह को बीजेपी ने छुड़वा दिया है? आपके कहने के हिसाब से अगर उनको जेल में डाला गया बीजेपी के इशारों पर तब तो संजय सिंह को छुड़वा दिया गया बीजेपी के इशारों पर? ये कोर्ट का काम है, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, कोर्ट ने हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि जो गिरफ्तारी हुई है वो सही गिरफ्तारी हुई है, उसके सबूत भी संकेत दिए हैं कोर्ट ने, सबूत पेश किए जाएंगे। और आप देखिए जमानत संजय सिंह जी ने लगाई और उनको जमानत मिली। क्या लगता है अगली सुनवाई पे क्या फैसला? क्या बोले आप? क्या लगता है अगली सुनवाई पे क्या फैसला आ सकता है? मैम वो जो फैसला आ सकता है, जो केजरीवाल जो है बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा केजरीवाल जी को, क्योंकि क्या, क्योंकि इन्होंने घोटाले इतने करे हैं, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, अभी तो देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। ये फिल्म है, ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। केजरीवाल जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि आपने 10 साल में इतना भ्रष्टाचार कर दिया है ना कि ये पानी सर से ऊपर हो चुका है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, जेल से सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। बस आप क्या कहेंगी मैम? आप कितने बजे से यहाँ पे प्रदर्शन? कितने बजे से यहाँ पे? एक घंटा हो गया हमें प्रदर्शन में। हाँ जी, बस यही है, घोटालों के चलते हुए केजरीवाल जी को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, ये जनता की पुकार है। ये तो जितने घोटाले उन्होंने, आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी है वो एकदम क्लीन चिट है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? क्लीन चिट है या नहीं है इस वक्त उनकी बात तो हो नहीं रही, केजरीवाल जी की बात हो रही है, तो उनके ऊपर तो ब्लेम लगे हैं ना, या तो उनका क्लियरेंस करें। हो सकता है उनको फंसाया भी गया हो। नहीं नहीं, कोई फंसाया नहीं गया, आपके हिसाब से फंसाया नहीं गया? आप भी आए यहाँ प्रदर्शन? हाँ जी। क्या चाह रहे हैं आप लोग? इस्तीफा दें, अभी तो ये छोटा है। नहीं देते इस्तीफा तो क्या हो, ऐसे ऐसे सरकार नहीं चलती है, तो दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने इनको सर पे चढ़ाया था, तो दिल्ली के लोग ही इनको सर से उतारेंगे। और अभी तो जल बोर्ड का स्कैम आना बाकी है जिसमें इससे भी बड़ा भ्रष्टाचार केजरीवाल। मैं किस्सा कुर्सी का रोज करती हूँ प्रोग्राम, दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल हिसाब से अभी तक बहुत अच्छा काम कर रही है, जनता चाह रही है कि केजरीवाल बाहर आए और चुनाव लड़े। मैम फ्री का लॉलीपॉप देके तो जनता को इन्होंने मूर्ख बना लिया। ऐसे तो बीजेपी ने भी दिया राशन, उस पर आप क्या कहेंगे? राशन मिल रहा है, मोदी जी ने राशन दिया उस पर, वो भी तो फ्री है, बिजली फ्री दी इन्होंने, बसों में फ्री दिया, बस DTC कितने घाटे में चल रही है, आपने एक बार देखा? आपने एक बार
डीटीसी चेक कीजिए आप, कितने घाटे में डीटीसी चल रही है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाया और भ्रष्टाचार करके खुद के शीश महल बनाए। जो बोलता था कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई महल नहीं लेंगे, आज वही अपना देखो कितने करोड़ों का घर बना के पूरी सिक्योरिटी लेके रह रहे हैं। हम यहाँ प्रदर्शन था हमारा, केजरीवाल के विरोध में इस्तीफा दे वो जेल नहीं से देंगे तो फिर है ना, नहीं देते तो नहीं देते हैं तो फिर वो जनता बताएगी। अभी अभी लोकसभा चुनाव है, अभी जनता बताएगी। हो सकता है इमोशनल वोट मिल जाए केजरीवाल। इमोशनल वोट जनता पढ़ी लिखी समझदार होगी। 21वीं सदी का भारत है, यहाँ को युवाओं को नहीं बहकाया जाता। आम पब्लिक अगर किसी जुर्म में पकड़ी जाती है तो उनमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती, और एक सरकारी कर्मचारी अगर कोई अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। केजरीवाल जिनके ऊपर पूरी दिल्ली की है पूरी जिम्मेदारी, उन्होंने इतना बड़ा घोटाला करा, अभी तो और भी घोटाले खुलने वाले हैं, और वो जेल में पहली बार ही देखा गया कि जेल से वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं। ये क्या मैसेज जाएगा आम पब्लिक के पास कि जो नेता है वो खुद ही कानून बनाते हैं, अपने लिए तो एकदम सेफ कानून बनाते हैं लेकिन आम पब्लिक के लिए अलग कानून है। पर जहाँ तक मैं डेली सर्वे कर रही हूँ, मैं अपने एक शो है मेरा किस्सा कुर्सी का, उसके ज़रिए मैं रोज़ जाती हूँ अलग अलग लोकेशन में, चाहे दिल्ली हो, तो वहाँ तो जनता उनको बहुत पसंद कर रही है। पसंद कोई जनता नहीं कर रही है, सबको पता ये घपलेबाज है, जो ये फ्री की रेवड़ी बांट रहा है उसी के अंदर अपनी जेब भी भर रहा है। इस प्रकार हमारी जो सरकार है, हमारे देश में बहुत बड़ा कर्ज जो सरकार के ऊपर हो रहा है, जो आता है जो हम और कामों में लगाना चाहिए, जहां पर बच्चों की कॉलेज की फीस है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये फ्री के ये रेवड़ी बांट कर क्या साबित करना चाहते हैं, जहाँ पर इनको करना चाहिए काम वहाँ नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बीजेपी मुझे बता दो एक बीजेपी के भ्रष्टाचार का कोई काम। सबसे पहले केजरीवाल दिल्ली में आया, पहली बार आ रहा है, पहली बार जाएगा है, उसने सबसे पहली बार है उसने दारू का काम किया। बेवड़ा बन के आदमी दारू पीवेगा, टल्ली बन के गली में घूमेगा, और जो उसके जेब में भी वो भी सब उठ जाएंगे पैसे। मुझे एक बता दो देश के लिए आप पहुँचाई हर एक युवा को जो आगे बढ़ के पढ़ लिख के कुछ करना चाहते थे, उन्हें शराबी बनाया इसने केजरीवाल ने, घर घर पे शराब पहुंचाई, इन्होंने पानी साफ पानी पहुंचाना चाहिए था, इन्होंने पानी नहीं पहुंचाया। क्या यही जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री की? क्या इसी प्रकार सरकार चलाते हैं, देश संभालते हैं? कहा जा रहा है कि हो सकता है कि केजरीवाल की जो बीवी है यानी कि सुनीता केजरीवाल आगे पद संभाले। हाँ, ये तो वही बात आ गई जो कांग्रेस के अंदर परिवारवाद चल रहा है, वही परिवारवाद का केजरीवाल भी चलाना चाहते हैं। वो सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालची हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा मुख्यमंत्री पद छिन जाए, क्योंकि उन्हें और भी घपले करने हैं आगे। अगर आप क्या कह रहे हैं उनके 64 विधायक क्या करेंगे अगर वो अपनी पत्नी को बनाएंगे तो? बाकी जो 64 विधायक बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े मंत्री बना रखे हैं, उन लोगों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है? एलजी जी तो कब से बोल रहे हैं किसी को बैठाओ। दिल्ली की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, पानी की स्थिति खराब होती जा रही है, लोग अपने त्रास धोते जा रहे हैं, यहाँ विधायक बैठ नहीं रहे जिनको काम करवाने हैं, सब अलग जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दिल्ली चलाएगा कौन? फिर इस्तीफा दे दो, राष्ट्रपति शासन लगवा दो, वो भी नहीं करना तो कुछ तो एक कदम आगे बढ़ाओगे आप? कानून में जेल में सरकार चलाई जाती है कोई कानून में? उसकी लड़की की कमरे में से 3 करोड़ रुपए मिले हैं क्या? पैसा ही बांटता है, खाता भी पैसा ही है। जो लैट्रिन बाथरूम घर में बन सकते थे उन्हें सऊदी अरब से वो मंगवाया, पत्थर मंगवाया, जिसके लाने लाने के खर्चे में एक मकान एक बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, वो जनता के भला करेगा? अब मुझे बता दो एक काम उसका, कोई एक गिनवा दो जो एक काम उसने किसी जनता में किया। आप भी आई हैं प्रदर्शन के लिए मैम, आप क्या चाह रही? जी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जनता के उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे और जनता को बहुत परेशान है उनसे, किसी भी वादे पे खड़े नहीं उतरे वो। और शराब लेकिन देखिए जनता, दिल्ली की जो जनता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है सर्वे के तौर पर, मैं जनता का ही आपको राय भी बता रही हूँ, अपना नहीं बता रही हूँ, जनता के हिसाब से केजरीवाल ने काम किया, महिलाएं बहुत खुश है देखिए फ्री सेवा लेकर के, महिलाओं के हिसाब से जो विधवा महिलाएं हैं वो भी बड़ी खुश है, जो सरकारी स्कूल बनाया वो भी लोग उनसे बहुत खुश है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं बिल्कुल ठीक है, ये उनके विचारधारा है कुछ लोगों की, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने शराब का मतलब वो प्रचार किया तो स्कीम लगाया, उनमें शराब की जगह अगर वो दूध की थैली एक की बजाय अगर डबल कर देते तो सारे बच्चे महिलाएं और परिवार सुखी रहता, पर शराब की वजह से सारा का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, बहुत घरें उजड़ गई, बहुत बच्चे बर्बाद हो गए, उनकी ज़िंदगी खराब हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो महिलाओं को बच्चों को सुरक्षा में रखते हुए देखते हुए वो अपना काम करना चाहिए था उनको, पर नहीं। उन्हें लगता है कि केजरीवाल वापस आ पाएंगे जेल से बाहर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी, अब तो नहीं, अब तो ऐसा नहीं कह सकते हम क्योंकि ये तो यह स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट। सर जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी या विपक्ष पार्टी जो है फंसाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। कोई फंसाने की कोशिश नहीं है, पहले ही इंडिया के साथ बैठ गया है, जिस कांग्रेस के साथ इसकी लड़ाई थी वो शाहीन बाग में, ये सब एक टुकड़े गैंग के ये बंदा सब हैं, ये लालू के गोद में बैठ गया सब चोर। मैं अन्ना हजारे से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसमें खत्म क्यों करा दिया गया? क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी को चोट लगी है और हमारे कार्यकर्ताओं को डंडे से मारा गया है, तो वो वहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में गए हुए हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ में ये बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए हैं अन्याय के खिलाफ, तो मेरे ख्याल से कि ये सब जो कर रहे हैं बहुत ही गलत बात है। कब यहाँ पे अभी हुआ क्या डंडे चार्ज? मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो पहले तो पाँच चीज़ें बोलूँगा। मैं 1984 पीड़ित परिवार का हूँ, 1984 पीड़ित परिवार का। मैं अपने एरिया के वाइस के आया हूँ, तिलक विहार कॉलोनी में रहता हूँ, जहाँ सरेआम कतलेआम हुए थे, जहाँ मतलब कि हमारी 3500 माता विडोस हुई हैं, जहाँ एक तो पहला ऑप्शन हमारा चला है वहाँ पर बिजली का मुद्दा, जिनके बिल आ रहे हैं 8-8, 9-9 लाख रुपये बिल आ रहे हैं, जो केजरीवाल बोलते हैं कि 400 यूनिट आपको फ्री है उसके ऊपर। आज आप हमारे तिलक विहार में कॉलोनी में आओगे, तिलक विहार में, तिलक नगर में, वहाँ एक एक घर में किसी के 8 लाख, किसी के 7 लाख, किसी के 4 लाख के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग परेशान हुए पड़े हैं। बिजली का बिल एक महीने का? एक महीने के। अच्छा जी, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 7-7 लाख मेरे पास आना, आपको मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा, मतलब कि लोग इतने परेशान हैं, ना कोई सीवर लाइन ठीक हो रहा है, ना पार्क कोई ठीक हो रहा है, ना कोई कुछ भी नहीं। आपने क्या पिछली बार केजरीवाल को चुना था? मैंने केजरीवाल को, हमारे वहाँ जनरल सिंह है, हमारे सिख फैमिली के थे, हमने कहा चलो, हमने सिख फैमिली को देख के हमने उसको ये वो प्रपोज़ किया था, मगर वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। एक मीटर पे उनको 3500 रुपये की कमीशन मिल रही है, वो हर बारी गुदारे में आके बोल जाते हैं, और 944 टोटल घर हैं, तो 944 घर में होने में एक घर का। इस बार क्या चाह रहे हैं किसकी सरकार? हम चेंज चाह रहे हैं, ये भ्रष्ट है, जो इंसान हाई कोर्ट का की नहीं सुन रहे तो वो आगे क्या सुनेगा, तो ये सीधा दिखता है कि ये चोर। इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं? तो हम तो यही चाहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार ही आएगी। चार और क्या क्या चेंजेस चाह रहे हैं मोदी सरकार? हमारे जो वादे चेंजेस ये है कि जो हमारे वहाँ के MLA जो हैं, हम तो उनसे बड़े परेशान हैं, जो हमारे बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे, हमारे लोग विडो सारे परेशान हैं उस कॉलोनी में। आप कभी भी आओ तिलक नगर के एरिया में घूमो आप, मतलब सारे लोग परेशान हैं, वो दिखता भी नहीं है जनरल सिंह, आप उसको पंजाब का प्रभारी बना दिया है, वो पंजाब में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, यहाँ में नहीं ध्यान दे रहा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो केजरीवाल जी के साथ हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है, दिल्ली नहीं, पूरी देश देख रही है ना। एक दिल्ली पुलिस में थोड़ी सी कमी आई है, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को चोट लगी है, उसका मुआवजा केजरीवाल जी को भुगत चुके हैं और भुगतना भी पड़ेगा। कैसे लगी उन्हें चोट? बेहोश हो गए अध्यक्ष जी, वो पानी का जो वो था ना, उससे प्रदर्शन करते हुए बेहोश हो गए अध्यक्ष जी। आज यहाँ पे पानी चार्ज हुआ है, पानी का वो हुआ, उसमें हमारे अध्यक्ष जी, हमारे कई कार्यकर्ता जिनको चोटिल हुए हैं, RML हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। इसका खामियाजा कितने बजे से चल रहा था ये? इसका खामियाजा दिल्ली पुलिस और केजरीवाल जी दोनों भुगतेंगे। नहीं, कितनी देर से चल रहा था ये प्रोटेस्ट? ये आई थिंक 1 घंटा हो गया था। हाँ, 1 घंटे के अंदर ही अंदर लाठी चार्ज भी हो गया, आपके डंडा चार्ज 1 से 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज भी कर दिया। दिल्ली पुलिस बौखलाई हुई है ये केजरीवाल जी के सपोर्ट में, ये इसका जो होता रिजल्ट होता ना खामियाजा, ये दोनों को भुगतना पड़ेगा, केजरीवाल जी को भी और दिल्ली पुलिस को भी। क्योंकि अगर इस्तीफा नहीं देते केजरीवाल तो फिर क्या? इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, ये कोई जंगल राज थोड़ी है दिल्ली। आप भी रहते हो, आप कहाँ, दिल्ली में रहते हो ना, दिल्ली में दिलवाले लोग रहते हैं ना। आपने 3 बार पागल बना लिया, 4 बार पागल बना लिया दिल्ली वालों को कुछ कह के, आज एक भी डिपार्टमेंट उठा लो किस चीज़ में घोटाला नहीं हुआ है। एजुकेटेड रहते हैं लोग, दिल्ली के लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अलग बात है, दिलवाले हैं, दिल के सच्चे हैं, बट एजुकेटेड भी हैं। एक भी आप बताओ, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे पानी को वो उसका बिजली का हो, कौन सा सारी जिसमें घोटाला नहीं हुआ। सारा पंजाब का, गुजरात का सारा खर्चा इन्होंने इलेक्शन का शराब से निकाला था। आपको पता, जो शराब नीति में इन्होंने टेंडर डाले थे, एक वार्ड का एक जो तो आपके हिसाब से बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है? बीजेपी में भ्रष्टाचार आप बताइए मुझे,
कहा दिल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बोल रही हैं या आप किस बीजेपी की बात कर रही हूँ मैं बीजेपी का आपने कहाँ देखा दिल्ली में देखा है दिल्ली में हो कहीं पर भी हो क्या लगता है वो बहुत क्लीन चिट पार्टी नहीं क्लीन चिट तो है ही साफ सुथरी है किसी घर की पार्टी नहीं है उसमें एक हमारे जैसा नॉर्मल कार्यकर्ता भी सीधे राष्ट्रीय लेवल पर जा सकता है वो एक क्लीन चीट बिल्कुल साफ और सुथरी पार्टी है किसी घर की पार्टी नहीं है अदर स्टेट उठा लो दिल्ली हो चाहे यूपी हो चाहे किसी भी मैं रोज़ एक सर्वे कर रही हूँ मेरा रोज़ प्रोग्राम जाता है किस्सा कुर्सी का जहाँ मैं अलग अलग लोकेशन पे जाती हूँ क्या जनता की आम जनता की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके बारे में उनसे जानती हूँ। रोज़गार का एक ऐसा मुद्दा है जो रोज़ उठ रहा है जो मोदी जी ने कहा था कि सबको नौकरियाँ मिलेंगी उस पर मुद्दा उठ रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ रोज़गार के मुद्दे पर मैं बताना चाहता हूँ मैडम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जितनी हमारे देश की जनसंख्या या दिल्ली की जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग आप रोज़गार भी जो है हमारा उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब अचानक से कहो बोल दो आपकी एक एक आदमी को रोज़गार मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है ना। आप किसी आपके अंदर जितनी कैपेसिटी खाने की वही खाओगे जितना खर्च करने की कैपेसिटी वही खर्च करोगे जितनी कंपनियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग रोज़गार बढ़े जा रहे हर एक चीज़ बताओ विद्युत विभाग में बिजली विभाग में किस चीज़ में नहीं हर चीज़ में रोज़गार मिल रहा है। हाँ लेकिन एक वो होता है लेवल होता है धीरे धीरे बढ़ रहा आने वाले टाइम में सबको रोजगार मिलेगा। केजरीवाल के इस्तीफा मांगने के उस पे थे तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए अपना सीएम के पद। मैम वो तो अब हर अलग अलग पार्टी है सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि तो बीजेपी तो बोलेगी केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए है ना तो आपके हिसाब से देना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से 50-50% बोलूँगा मैं केजरीवाल मतलब मतलब उसका मैंने सुना था मैंने पढ़ा था कि जो केजरीवाल जी हैं उनके 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 खिलाफ कोई एविडेंस है नहीं है ना तो इनका कोई रूल होता है कि जिसके अकॉर्डिंग ये जो उन पे चार्जेस लगे हैं उसमें वो सीधा बेल नहीं होती है ना तो ये था तो उनके खिलाफ जब कोई एविडेंस है नहीं इनके पास जो शराब घोटाला है ना तो उनको कैसे जेल में डाल सकते हैं तो इस्तीफा इस चक्कर में मैं बोलूँगा कि 50-50% है मतलब केजरीवाल ठीक भी हैं क्योंकि एजुकेटेड है अच्छे क्वालिफाइड हैं अच्छा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से दिल्ली में? दिल्ली में मतलब अभी तो मतलब ये तो पहले से ही दिल्ली डेवलप्ड है इसमें क्या ही काम ज़्यादा कर ही सकते हैं मतलब लेडीज़ों के लिए थोड़ा फ़ायदा करा है बिजली बिजली के उसमें करा है मतलब मैं तो इतना वो करता नहीं मतलब ठीक है क्या ही भी दिल्ली तो ऑलरेडी डेवलप्ड है पहले से ही पहली गवर्नमेंट ने पहले से ही डेवलप्ड है दिल्ली तो उनमें क्या ही काम करेंगे केजरीवाल सर क्योंकि पूरे दुनिया में अगर किसी बंदे के लिए जेल जाने पर चिंता जताया तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जताया इसीलिए हमारे केजरीवाल को दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकता। जिस दिन हमको एमएलए का टिकट दिए वो दिन केजरीवाल को थप्पड़ मारा ऑटो वाले ने 8 अप्रैल 2014 की बात है। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल से हमको विधायक का टिकट दिया। हम गरीब हैं लेकिन 20,000 कर्जा लेके हम हवाई जहाज से नॉमिनेशन करने बिहार गए क्योंकि समय हमारे पास नहीं था। आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं था और जब हम नॉमिनेशन करने पहुँचे तो एसडीओ ने कहा कि आपके पार्टी का रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं है इसीलिए आपको 10 प्रस्तावक देना पड़ेगा और आप एक तूफानी बाबा को लेके आए हैं मुखिया जी को प्रस्तावक बनाने। आपकी पार्टी राष्ट्रीय ये पूरे देश में चुनाव लड़ेगी झाड़ू मिलेगा लेकिन आपको झाड़ू नहीं मिलेगा और तब मन मुताबिक कप प्लेट के चुनाव चिन्ह पर हमने चुनाव लड़ा और जितने वकील थे चाहे कोई भी पार्टी के हो एसडीओ ने कहा कि इनका नॉमिनेशन ज़रूरी है क्योंकि हवाई जहाज से नॉमिनेशन करने आए हैं और केजरीवाल ने भेजा है इनका नॉमिनेशन नहीं होना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तमाम लोग चाहे किसी भी पार्टी के हों सब लोग इनको मदद कीजिए नॉमिनेशन में। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं बिहार? हम जिस दिन देखा कि केजरीवाल को मदद करने के लिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दुनिया के सामने आ गई हैं तो मैं भी अपनी बीवी जुबैदा बेगम को लेके
31 मार्च को रामलीला मैदान आ गए और डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक पूरे देश में भाजपा जैसी अत्याचारी सरकार को एक सीट नसीब होने नहीं देंगे। अगर वो बोलते हैं 400 पार तो हम दावा करते हैं कि 4 पार नहीं कर पाएगा भाजपा सरकार। अभी तो भाजपा सरकार जो भाजपा पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं ने अभी यहाँ पर प्रदर्शन किया, इस्तीफा देने की मांग करी केजरीवाल पे, उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। हमारा केजरीवाल दुनिया में केजरीवाल के मुकाबले कोई बंदा है नहीं, इसीलिए ये सब लोग जो टोपी पहन के आए थे, पहले ये शराब पर बिकते थे, अब तो भाजपा के पास इलेक्टोर बॉन्ड के जरिए इतनी दौलत आई है, इतना घोटाला हुआ है जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नोटों की कोई कमी नहीं है, ये टोपी पहन के अगर 500 पाएंगे क्यों ना टोपी पहन के हजार हजार आएंगे। कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभी यहाँ पे प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग की, उस पर आप क्या कहें? कहा कि सीएम पद क्या जेल से करेंगे, सीएम पद जो है जेल से निभाएंगे, ऐसे थोड़ी सरकार चलती है। कैसे चलती है सरकार? उनके हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके हिसाब से तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, अगर उनके हिसाब से चलेंगे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उनके हिसाब से पार्टी नहीं चलती, कि वो जब कहेंगे इस्तीफा दे देंगे, जब कहेंगे ईडी को भेज देंगे, जब कहेंगे गिरफ्तार कर लेंगे। अगर ऐसे ही चलेगा तो पार्टी नहीं चलेगी, तो चलेगी पार्टी संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। क्या लग रहा है अभी जैसे लोकसभा चुनाव का माहौल है, पूरा का पूरा हर जगह रैलीज हो रही है, आम आदमी पार्टी थोड़ी सी क्योंकि परेशानियों से और उनकी जो परेशानियाँ बार बार बढ़ती चली जा रही है क्योंकि डेट भी बढ़ती जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन रैलीज नहीं कर पा रहे, वोट के लिए कहीं जा नहीं पा रहे मांगने, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जितने भी सांसदों को लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है वो बहुत मजबूती से ज़मीन पर डोर टू डोर कर रहे हैं, पार्टी संगठन लगातार काम कर रहा है। पार्टी होता है ना कि सीएम का जो चेहरा दिखता है रैली में तो वो एक अलग, जैसे हर साल हमने देखा, हर बार ही देखा कि एक अलग अरविंद जी जितने बाहर सशक्त थे उससे ज़्यादा सशक्त मजबूत जेल के अंदर है, और लोगों को ये समझ में आ रही है चीज़ कि लोगों को कि जेल का जवाब वोट से देना है, जेल का जवाब वोट से देना है। लग रहा है इस बारी दिल्ली में किसकी लहर आ सकती है, लोगों का जो माहौल है वो भी मौसम जो है थोड़ा बदलता भी नज़र आ रहा है दिल्ली की जनता। देखो, पिछली बार 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं। दिल्ली में तो एक तरफा माहौल है, आप लोगों के बीच में जाओ, लोग बताएंगे आपको कि हम किस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दोगे, एक चुने हुए सांसद को आप परेशान करोगे, उन्हें नोटिस भेजोगे। मैं एक शो करती हूँ सर, किस्सा कुर्सी का, उसके माध्यम से मैं रोज़ जा रही हूँ जनता के बीच में, हर एक लोकेशन में उठा रही हूँ। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, जनता खुश भी है केजरीवाल जी के काम से, महिलाएं बहुत खुश हैं आपके काम से, लेकिन अगर आने वाले 5 साल और उनको मिल जाते हैं जो अब आएंगे लोकसभा चुनाव में और फिर से वो जीत जाते हैं तो आगे उस पर क्या काम कर सकती है? आम आदमी पार्टी के सांसद अगर बनते हैं तो देखो, पार्षद हमारा होगा, विधायक हमारा होगा, सांसद भी हमारा होगा, तो सांसद के जितने भी काम हैं वो बहुत तेज़ी से होंगे। आपने देखा होगा पूरे 5 साल में दिल्ली के मुद्दे एक भी सांसद ने सदन में नहीं उठाए, संसद में नहीं उठाए, और जब जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से चुने हुए सांसद गए तो राज्यसभा में दिल्ली के मुद्दे उठे, पंजाब के मुद्दे उठे, हरियाणा के मुद्दे उठे, नौजवानों के मुद्दे उठे, महिलाओं के मुद्दे उठे। तो ये चुपचाप रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और देखो अगर उनका अच्छे ही सांसद होते तो उनकी टिकटें नहीं कटती, आज उनकी टिकटें कटी हैं, उन्होंने चेहरा बदलने की ज़रूरत उन्हें पड़ी है, आम आदमी पार्टी को नहीं पड़ी, उनको पड़ी है। तो आज हमारे पश्चिमी दिल्ली में देखो आप, पश्चिमी दिल्ली में महावल मिश्रा जी का कैंपेन इतना बढ़िया चल रहा है, और कुलदीप भाई हैं, कुलदीप भाई बहुत बढ़िया, सोमनाथ भारती हैं, सईराम पहलवान हैं, कितने सारे मैं बताऊँगा, ये जमीनी नेता हैं ये,
लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग इनसे बहुत बेइंतहा प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। और जेल जो अरविंद जी जेल गए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। ये लग रहा है कि आ सकेंगे चुनाव से पहले बाहर या नहीं? देखो ये तो कोर्ट तय करेगा, इसमें तो हम क्या टिप्पणी करेंगे। हम जमानत भी नहीं मांगी केजरीवाल जी ने, ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें सारे पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमें पूरी उम्मीद है न्याय करेगा और जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है वो कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है और हमारे साथ न्याय होगा। हमने इनकी भी राय सुनी, हमने दोनों ही तरफ का सुना, हमने आज बीजेपी की पक्ष का भी सुना और हमने आज यहाँ पे बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो कार्यालय हैं उनके बाहर भी आए, उनके ऑफिस के बाहर हमने यहाँ पे इनसे भी जाना कि इनका क्या है उस पे विषय, की जो क्या चाह रहे हैं इस्तीफा दे बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ के कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं। तो हमने दोनों की बातें सुनी, दोनों को हमने सुना और अब तो फैसला यही है कि जो भी होगा पता चलेगा बाद में इस्तीफा दिया जाएगा या नहीं। लेकिन आप बाकी की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।